सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल स्वेता क्रिएशंस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत सारे हीरोज तो अपनी उम्र के हिसाब से यंग एज का किरदार तो निभाते हैं, पर अपने उम्र के हिसाब से भी कुछ पिक्चर्स में भी उन्होंने रोल किया है। चलिए आज उसके बारे में कुछ 10 एक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय देवगन की उम्र 50 साल है और ये अब भी बड़े पर्दे पर लीड रोल का किरदार निभाते हैं, लेकिन इन्होंने फिल्म दृश्यम में 40 साल से भी ज़्यादा उम्र के पिता का किरदार निभाया है। इसके अलावा अपनी आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे में करीब 50 साल के व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। अनिल कपूर 62 साल के हो चुके हैं। इन्होंने फिल्म दिल धड़कने दो और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं 50 साल से भी ज़्यादा उम्र के पिता का किरदार निभाया था। संजय दत्त ने फिल्म भूमि में अदिति राव हैदरी के पिता का किरदार निभाया था। बता दें इनकी उम्र 59 वर्ष है। अक्षय खन्ना 44 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। इन्होंने फिल्म मॉम और इत्तेफाक में अपनी असली उम्र के किरदार निभाए थे। सलमान खान की आने वाली बहुचर्चित फिल्म भारत में सलमान खान को अलग अलग उम्र के पड़ावों पर दिखाया गया है। इसमें वो एक बुजुर्ग का किरदार निभा रहे हैं। ये 53 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। रोहितroy लीड कैरेक्टर के अलावा नेगेटिव किरदार भी निभाते हैं। ये 53 साल के हैं और बता दें कि इन्होंने फिल्म टू स्टेट्स में अर्जुन कपूर के पिता का किरदार निभाया था। गोविंदा अपनी उम्र के हिसाब से किल दिल में परिणीति चोपड़ा के पिताजी का किरदार निभाया था, हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। आमिर खान 54 साल के हो गए हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल में आमिर ने अपनी उम्र में भी ज़्यादा बड़े व्यक्ति का किरदार निभाया था। सुनिलशेट्टी के उम्र 57 साल है और ये फिल्म हलचल में करीना कपूर के चाचा का किरदार निभा चुके हैं। सनीडेओल की उम्र 62 साल हो चुका है। उन्होंने घायल वंशकर में अपनी उम्र के हिसाब से एक लड़की के पिता का किरदार निभाया था। अगर आपको हमारा ये चटपटा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।